नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। एमपी के सतना में जुड़वा भाइयों के अपहरण के मामले में आज बांदा पुलिस ने दोनों लाशों को बरामदगी करते हुए हत्या का खुलासा किया है। पुलिस ने जुड़वा भाइयों के हत्यारे को गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पर दोनों बच्चों की लाश को बबेरू क्षेत्र में नदी से बरामद किया है। बच्चों को स्कूल में पढ़ने वाले छात्र जो कि उनका ट्यूशन मास्टर भी था, बच्चों का हत्यारा निकला। बच्चों के पिता ने अपने दो मासूम बेटे को खोने के बाद पिता ने हाथ जोड़कर रोते हुए कहा कि ऐसे नर पिशाचों को समाज में रहने का कोई हक नहीं है। इन्होंने एक माँ की ममता को तार तार किया है। उन्होंने हत्यारों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की है। पास बहुत सी गाड़ी आई है। कुत्ता ने जब भूखे आवाज मारे तो तब हम नहीं निकल कर आए, तो कुछ लोग वहाँ से चले गए थे। जमुना जी लेकर मुलजिम को गए हैं, तो वहाँ से लाश दो निकाले जाल डवा कर, और उसके बाद उनको उसमें डाले, क्या कहते हैं, डग्गा में, लाश को डग्गा में पैक कर कर वहाँ से लेकर चले गए हैं। यहाँ से फिर बाद में गाड़ी यहाँ से गई। अच्छा, क्या पता चला कि वो बच्चे कहाँ के थे? कहाँ, अब ये तो हम नहीं बता सकते हैं वो कहाँ के। कितने बच्चे थे? दो। हम लोग बैठे थे तो वही जानकारी हुई, चक्कर थाना से पकड़े हैं उनको पकड़ के लाए थे यहाँ। मरका बताया कि जमुना जी ने जो है 21 तारीख को मार दिया। फिर पुलिस प्रशासन नया गाँव के साथ में आए, हम लोगों को सहयोग दिए। वहाँ गंगा जी से जो है सामने बाड़ी निकाली गई, पत्थर बांध दिया था दोनों बच्चों को, सकरी में गंजीर में बांध के जो है उनको जिंदा जो है दफनाया, गंगा जी में डाल दिया 21 तारीख। आज दोनों की लाश में जो है, तो उन्हीं की शिनाख्त में, उन्हीं के शिनाख्त में जो मुलजिम पकड़े गए हैं उन्हीं को लेके आई थी पुलिस। मुलजिम कहाँ के हैं कुछ पता चल पाया? वहीं के हैं, विश्वविद्यालय में पढ़ते थे। और एक तो जहाँ बच्चा जिसका मरा है उसको ट्यूशन भी पढ़ाता था वो लड़का। हाँ, यादव करके कोई राजू, यानी जो शिक्षक था उनका ट्यूशन पढ़ाता था। ट्यूशन पढ़ाने वाला ही शिक्षा की जो है उसका जो है कातिल निकला। क्यों, वो भी पकड़ा गया? वो भी पकड़ा गया। अब हमारा कहना ये है कि इनको जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सजा हो, सरकार क्या करेगी इस विषय में, उत्तर प्रदेश की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार, दोनों के संज्ञान में है। हमारा कहना यही है कि जल्दी से जल्दी इनको फांसी की सज़ा दिलाई। पुलिस ने अब कर्ताओं की जानकारी कलेक्ट की, उन्हीं को पकड़ के जगह की शिनाख्त की, उन्हीं के द्वारा बताया गया। ये मरका के अंतर्गत जोगिनी देवी मंदिर पे जमुना घाट पे हमने बच्चों के हाथ पैर बांध कर जाली में लपेट के जंजीर से पत्थर मार के नदी में 20 तारीख की फेंक दी, तब उनको फिरौती की रकम भी दे दिया। इसके बाद ये हमारे बात छोटे छोटे बच्चों की हत्या, निर्मम हत्या, इसमें जितने दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए। ऐसे लोगों को समाज में रहने का एक भी हक नहीं है। ऐसे नर पिशाचों को तुरंत सख्त से सख्त, मैं शासन प्रशासन से अनुरोध करता हूँ, मेरे बच्चों की जो बलि हुई है बेकार न जाए। ऐसे नर पिशाचों की समाज में रहने का कोई हक नहीं है, जिसके माँ की ममता को तार तार बाप। किस विद्यालय से गायब हुए थे बच्चे? इस सतगुरु पब्लिक स्कूल जानकी कुंड के पास, वही के परिसर से गया, स्कूल बस से कैंपस के अंदर। ये कितने तारीख की बात है? 12 तारीख की बात है। 12 फरवरी 12 दोपहर में 12:30 बजे उन्होंने पढ़ा कर सत्ता में जुड़वा बच्चों के अपहरण की बात थी। उसके बाद हमारी चित्र को तो बांदा पुलिस सहयोग में लगी हुई थी टीम। कल रात ये सूचना मिली कि इसके बच्चों की बॉडी मड़का थाना क्षेत्र में यमुना नदी में होने की संभावना है। देर रात आपको थाना मड़का स्थानीय पुलिस द्वारा 80 लोगों की मदद से सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। उसमें दोनों बच्चों की बॉडी बरामद हुई है, आगे की अग्रिम कार्रवाई करके इनको भेजा जा रहा है। कितने लोग पकड़े हैं सर उसमें अभी तक? ये जो सारी डिटेल्स है ये आपको सतना पुलिस बता पाएगी। हमें जो सूचना मिली थी कि जो बॉडी होने की है तो इसमें बरामदगी हो चुकी है। सर कई बजे लगभग बरामद हुई? ये देर रात चूंकि नदी का मामला था तो बहुत समय लगा। पेशा बांदा से अरबाज खान की खास रिपोर्ट।